बट दोस्त को उड़ा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको तो हम लोग मार देंगे। जिस हिसाब से हम लोगों ने अपना वो दिया है ना इंट्रो, और जिस हिसाब से हमने अपना एडवर्टाइजमेंट किया है, अगर यहाँ पे मर गए तो गए काम से फिर तो। एक मिनट रुको, इसकी ही टीम का एक बंदा यहाँ पे छिपा हुआ है। वाह, गन आ चुका है उसके पास में, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अरे वाह, ये बंदे का जो IQ लेवल था वो 999+ IQ था, क्योंकि इसने दीवार के, अरे यार लड़की वापस आ गई। ये बंदे ने ट्राई किया, इसको लगा कि दीवार के पीछे कोई इसको देख ही नहीं पाएगा तो बुलेट कैसे चलाएगा, बट हम उससे भी चालाक है। अभी ये लड़की इधर से आई और गई। ये होता है फ्री फायर का असली प्रो। वैसे बहुत सारे लोग जो भी बांग्लादेश में फ्री फायर खेलते वो लोग अभी तक ऑफेंड हो गए, जी भाई तुम बेस्ट प्लेयर नहीं हो, मैं हूँ बेस्ट प्लेयर। भाई मैं मानता हूँ तुम लोग बेस्ट प्लेयर हो यार, अपन जिस हिसाब से बातचीत करते हैं ना, वैसे मेरे को लगता है बांग्लादेश में किसी यूट्यूबर के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। इससे अच्छा कि हम लोग सीधा चुपचाप गेम को खेल के निकल लेते हैं यहाँ पे। बट उससे पहले थोड़ी सी लूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेवल 3 का वेस्ट कहाँ पे? अरे MP40। आज किस्मत भी साथ दे रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें मिल चुका है एक 1 टेप गन और उसी के साथ MP40। अभी बंदे और भी उतरे थे, एक और स्क्वाड भी हमारे साथ उतरा था। यहाँ पे तो 2 बंदे को मारा, डायरेक्ट किल आ गया दूसरे बंदे से। तो ये आई थिंक डियो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए आए थे, बट क्या फ़ायदा, डियो वर्सेस स्क्वाड वाले बंदे भी सोलो वर्सेस स्क्वाड वालों से पिट जाते हैं। अब यहाँ पे जो बंदे उतरे थे उनको मारने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगा। वाह क्या बात है, हम सोच रहे थे कि हमको IQ का प्रयोग करना पड़ेगा, बट नहीं, बंदे थोड़े से अच्छा कहले। एक और बंदा यहाँ पे था, ये रहा, और इसे ओनली रेड नंबर। वाह, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया। ए नहीं 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 ना 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 ना, अगर मैं इससे तुम लोगों के हाथों से मर गया तो जो लोग बांग्लादेश में हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे? एक इंडिया का मतलब उसी के साथ वो लोग ऐसा बोलेंगे, इंडिया का तो सही बट वर्ल्ड का नंबर 1 फ्री फायर यूट्यूबर बांग्लादेश सर्वर में 1v4 क्लच नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा ये बदनामी ना सहने से अच्छा कि हम लोग 1v4 क्लच करें, और यहाँ पे मैंने बांग्लादेश सर्वर में भी अपना रुद्वा जमा दिया है, हमने किया है 1v4 क्लच। अब बोलो कोई है हमसे ज़्यादा प्रो? वैसे इस वीडियो को किसी भी अपने बांग्लादेश वाले प्लेयर जो कि आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये वाला वीडियो देखने के बाद शायद से कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। वैसे इस सभी चीज़ों को तुम लोग फन वे में लेना, सच्ची में कॉन्ट्रोवर्सी करके मत बैठ जाना कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। बट मैं हूँ यार प्रो, मैं क्या करूँ बताओ? वो गाना नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, वैसे मैं इतना प्रो हूँ मैं क्या करूँ। नहीं चलो यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, अभी इस गेम को जीतते हैं, क्योंकि 6 किल हमने कर दिए हैं, एक 1v4 क्लच भी किया है, और उसके अलावा एक और बंदा सामने। छी भाई आ जाओ, इसको मारने के लिए हमें एक रोटेशन मारना होगा। अभी बंदा सोचेगा गाड़ी कहाँ से, तुमने ठोक दिया, ये नहीं प्लान में था, मतलब वन टैप नहीं लगा। औकात में अज्जू भाई, औकात में आ, तुम्हारा औकात दिख रहा है अज्जू भाई, जैसा मुंडी दिखा है उसने मुंडी तोड़ा, वो है बांग्लादेश का असली प्रो। तुम क्या हो, इंडिया का एक कन्नाड़ी प्लेयर? ये भाई ग्लू बोल भाई, ये क्या कर रहा है, ग्रेनेड मार रहा है, दिखाना पड़ेगा इसको मेरा पावर। ए लो, अभी ये वाला शॉर्ट्स अगर मैं कटबुट करके यूट्यूब पे डालूगा ना अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे, तो 5-6 लाख व्यूज तो कहीं पे नहीं गए। पता है क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मैं भड़काऊ भाषण यहाँ पे दे रहा हूँ ना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला, तो इसमें क्या होता है, बांग्लादेश के प्लेयर भी बेचारे बोलते कि अरे क्या कर रहा है, और इंडिया के लोग भी बोले कि क्या करना क्या चाहता है। तो उस वजह से तो हम लोगों को अभी भड़काऊ भाषण बंद करना होगा और गेम पे फोकस करना होगा। वैसे मैंने 7 किल कर दिए हैं, 35 बंदे अभी भी अलाइव है। बाय द वे, जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, इस वीडियो के स्पॉन्सर है 1xBet। अगर तुम लोगों ने अभी तक 1xBet पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके अपना अकाउंट बनाओ। और अकाउंट बनाने के बाद अगर तुम लोग पैसे डिपॉजिट करते हो तो टोटल जी प्रोमो कोड का यूज़ करना ना भूलो, क्योंकि उससे आपको मिलेगा बोनस, डिस्काउंट में और भी पैसे आपके अकाउंट में ऐड हो गए। तो ये वाली चीज़ थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूँ। बाकी अभी एक और मेरे को रेड डॉट यहाँ पे देखने को मिला इस साइड से, मेरे पास की नहीं था, मैंने उसको ओपन करने का ट्राई किया था। ये देखो, करना क्या चाहता है ये भाई, तू करना क्या चाहता है, क्या था ये इसके पास? अच्छा, ये बेचारा ताजा जिंदा हुआ था। और यार हम ही लोग यार क्या बोलूं मैं, बोलो इसके पास गन बन सब कुछ है, उसके पास जो पिस्तौल थे उसमें भी मेरे को लगता है एमओ के नाम पे कुछ ऐसा खास था नहीं, तो किससे मारता? अब वो क्ला लेके तो आया नहीं था कि भुक्के से मारेगा, तो वो वाली चीज थी। वैसे मैंने 8 किल कर दी और अभी भी 38 बंदे अलाइव है। इससे तुम लोग पता लगा लो कि इस गेम में किस लेवल के प्रो बंदे आए हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रो आया है। और वैसे इस गेम में मेरा रैंक आई थिंक डायमंड 1 होना चाहिए,
बट जितने भी बंदे इस गेम में आए वो सभी मेरे को ग्रैंड मास्टर वाले लग रहे। 36, 35, 37 तक बंदे थे अभी थोड़ी देर पहले। आ जाओ इसके अंदर से थोड़ी बहुत चीजें उठा लेते, कुछ काम की है कि नहीं है। वैसे वन टेप वाली गन हमसे बढ़िया चल रही है, वन टेप लग नहीं रहे हैं वो बात अलग है, एक आध लगा होगा मेरे ख्याल से। बट ठीक है यार, अभी मेरे ख्याल से 10-12% गेम खत्म हुआ है, तो अभी बहुत गेम बाकी है यार। अभी एंड सर्कल आने दो, इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ 25-30 बंदे अलाए हो गए। और एंड सर्कल में अगर 25-30 बंदे अलाए हुए मतलब ग्रैंड मास्टर लोबी, और डायमंड वन वाला प्लेयर ग्रैंड मास्टर लोबी में कर क्या रहा है मैं ये सोच रहा हूँ। देखो तुमने रैंक देखा ना, हम डायमंड वन में है तो इस लोबी में हम लोग अचानक से कैसे आ गए? गेम का कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? इतने प्रो लोगों के बीच में अगर कोई नॉर्मल डायमंड वन वाले प्लेयर को डाल दोगे तो वो तो रो देगा। हालांकि यार चलो वो बात अलग है कि मैं कुछ ज़्यादा ही गंगोर प्रो हूँ, उस टाइप का बंदा हूँ नहीं। चलो यार अभी इतना कुछ नहीं करेंगे, मैं सच में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रो हूँ, बट मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना। नहीं यार ये बहुत क्रिंज लगता है पता, बार 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 एक ही चीज़ को रिपीट करना, प्रो 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 प्रो, उससे अच्छा कुछ नहीं बातचीत करें। बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में तुम लोगों की? वैसे तुम लोग बोल भी नहीं सकते हो मेरे वीडियो में पता है, क्योंकि तुम मेरे साथ गेम प्ले नहीं कर रहे। अरे यार ये तो उससे भी ज़्यादा क्रिंज हो गया। चल हट इधर से, चल हट। अरे भैया तुमको मारोगे, उस घर के अंदर भी है था या देखो वन टैप अभी ए लो। कौन बोला था वन टेप नहीं लिया? तो मैंने ही बोला था थोड़ी देर पहले। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा क्रिंज है। हम इस वीडियो में जो भी बातचीत कर रहे हैं ज्यादातर बातचीत हम लोग क्रिंज ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है। मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था और लगभग मैंने 1 घंटे तक इंस्टाग्राम रील्स देखे, इस वजह से मैं क्रिंज हो गया हूँ।